चलिए अब जो नेक्स्ट चैप्टर का रिवीजन हम करने वाले हैं वो है वैल्यू ऑफ सप्लाई सर एक जीएसटी हो गया सप्लाई होगा सप्लाई तो होगा इंटरस्टेट सप्लाई हो हो पे आईजीएसटी जीएसटी लगेगा इंट्रास्टेट पे सी जीएसटी एंड एस जीएसटी लेवी हो जाएगा एक बार जो जीएसटी लेवी हो गया तो जीएसटी कलेक्टेड एंड पेड बाई ए टैक्सेबल पर्सन सर कैसे कलेक्ट करेगा कैसे पे करेगा कैलकुलेट करेगा जीएसटी इज इक्वल टू

के बारे में बात करता है चलिए समझना चालू करते हैं क्विकली रिवाइज कर लेते हैं सेक्शन नंबर वैल्यू ऑफ सप्लाई जब भी आप जीएसटी कैलकुलेट कर रहे हो आपको चाहिए क्या है? है, है। अगर तो बोलता वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑलवेज दशन वैल्यू सर ट्रांजेक्शन वैल्यू होता क्या है जो प्राइस पे किया गया है प्राइस पेड और प्राइस समझ लीजिए आपको मैंने क्लास दिया आपने मुझे पांच हजार दिए पांच हजार बाद में दूंगा, तो प्राइस 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 हो गया रुपीस. लेकिन, सोल सोलसी मतलब ओनली कंसिडरेशन शुड बी मनी सर अगर समझ लीजिए मनी इज नॉट द होल कंसिडरेशन आपने मुझे कुछ और भी दे दिया था या फिर आप हम दोनों रिलेटेड पर्सन हैं या सर तो रिलेटेड पर्सन में भी अगर समझ लीजिए एजेंट के थ्रू अगर सप्लाई हो रहा है तो वैल्यूएशन रूल नंबर ट्वेंटी नाइन लगेगा ठीक है सर पॉइंट क्लियर है पहला सेक्शन नंबर फिफ्टीन वन बोला कि द वैल्यू ऑफ सप्लाई इज ऑलवेज द ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या प्राइस में ट्रांजेक्शन हुआ है एंड ट्रांजेक्शन वैल्यू इज ऑलवेज द प्राइस पेड पेबल पेडेबल द पार्टीज आर अनरिलेटेड एंड प्राइस इज द दोल कंसिडेशन उसके बाद बोला गया है सेक्शन फिफ्टीन टू बोलता है इंक्लूजन इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या क्या चीजें आपको इंक्लूड करनी है सर इंक्लूजन में मैं हमेशा बोलता हूं बच्चों को कि पहला चीज आपको याद रखना है कि सर आपको इंक्लूड करना है टॉपिक्स चलिए सर क्विकली बता दीजिए टी टी ओ पी आई सी एस ठीक है सर T मतलब हो गया एनी टैक्सेस टैक्से फीस अदर देन जीएसटी इफ दे आर चार्ज सेपरेटली अगर अलग से चार्ज किया गया है तो आपको इंक्लूड करते हुए चलना है लेकिन यहां पे TCS के बारे में बोला गया है TCS under income tax act is not to be included in the value of supply TCS जो इनकम टैक्स एक्ट में चार्ज किया जाता है वो एक इंटिम लेवी होता है एंड दैट does not have एग्जाम में ये पॉइंट याद रखिएगा इट्स एन इंटिम लेवी इट does not have the characteristic of tax and hence TCS is not to be included in the value of supply ठीक है सर पॉइंट क्लियर है जो इनकम टैक्स का TCS होता है वो वैल्यू में इंक्लूड नहीं करना है ठीक है सर उसके बाद वो मतलब हो गया ऑब्लिगेशन सर ऑब्लिगेशन ऑफ द सप्लायर मेरा सप्लायर का ऑब्लिगेशन अगर recipient ने पे कर दिया है तो दैट इज ऑल्सो टू बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई एनी ऑब्लिगेशन ऑफ द सप्लायर मेड बाय द रिसीपियंट विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस पेड ट्रांजेक्शन वैल्यू में अगर इंक्लूडेड नहीं है तो आप अलग से इंक्लूड कीजिएगा मतलब एड कर दीजिएगा इन योर वैल्यू ऑफ सप्लाई वैल्यू ऑफ सप्लाई वो वैल्यू होता है जिसपे आपको जीएसटी पे करना है गवर्नमेंट को तो ट्रांजेक्शन वैल्यू में ऐड कीजिएगा नंबर वन टैक्सेस नंबर टू आप ऐड कीजिएगा अगर सप्लायर का ऑब्लिगेशन ने पे कर दिया है वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होगा ठीक है सर उसके बाद जो थर्ड आता है इधर आता है पैकिंग सर पैकिंग चार्जेस अगर लिए गए चाहे वो पैकिंग स्पेशल पैकिंग हो नॉर्मल पैकिंग हो कोई भी अमाउंट लिया गया पैकिंग के लिए तो हमेशा इंक्लूड कीजिएगा आई मतलब हो गया इंसिडेंटल चार्जेस इंसिडेंटल चार्जेस अगर कोई भी इंसिडेंटल चार्जेस लिए गए वही यहां पे है इंसिडेंटल चार्जेस इंक्लूडिंग सेलिंग कमीशन बेटा याद रखना कमीशन जब लिया जाएगा कमीशन इज ऑलवेज सेलिंग कमीशन बाइंग कमीशन कभी भी इंक्लूड नहीं करना है ठीक है सर इंसिडेंटल एक्सपेंसेज इंक्लूडिंग सेलिंग कमीशन पैकिंग चार्जेस एंड एनी अमाउंट चार्ज फॉर एनीथिंग डन बाई दप्लायर विथ रेस्पेक्ट टू दप्लाई एट द टाइम ऑफ और बिफोर द डिलीवरी ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस एनीथिंग चार्ज फॉर एनीथिंग डन अगर सप्लायर में से कुछ भी चार्ज कर लेता है कुछ भी तो याद रखिएगा इंक्लूडेड इन द वैल्यू एक बात याद रखिएगा यहां पे एक छोटा सा पॉइंट याद आया एफ ओ आर कभी कभी फ्रेट ऑन रोड की बात बोली जाती है कि सप्लायर ने बोला एफ ओ आर बेसिस पे सप्लाई करूंगा लेकिन ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज रिसिपियन ने दे दिया ट्रांसपोर्टर को तो बेटा याद रखना एफओ में सप्लायर का ऑप्लीकेशन होता है अगर रिसीपियन ने ट्रांसपोर्टेशन चार्ज दे दिए तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड कीजिएगा क्योंकि सप्लायर का ऑप्लिकेशन होता है बेसिस में अगर सप्लायर सप्लायर का 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 था ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन बेसिस पे हमेशा होता है अगर रिसिपेंट ने पे कर दिया वो वैल्यू में इंक्लूड होगा डन सर पॉइंट क्लियर है तो पहला मैंने आपको बोला एनी टैक्सेस अदर देन जीएसटी टी अंडर द इनकम टैक्स इंक्लूड नहीं करना बाई द रिसिपेंट इंक्लूड करना पैकिंग चार्जेस इंक्लूड करना लेकिन अगर इंटरेस्ट पेनल्टी एंड लेट फी आपसे चार्ज किया गया यू तो इंटरेस्ट पेनल्टी एंड लेट फी एक्ट होता है लेकिन अगर आपसे इंटरेस्ट पेनल्टी एंड लेट फी चार्ज किया गया विच इज बिकॉज ऑफ ए प्रिंसिपल सप्लाई तो इंटरेस्ट पेनल्टी एंड लेट फी को भी आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड करना है लेकिन इंटरेस्ट पेनल्टी एंड लेट फी के लिए एक पॉइंट ध्यान रखिएगा जनरली जनरली इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फी हमेशा जब भी आप एग्जाम में देखोगे तो आपको यही एजम्पन लगना है कि इट्स ऑलवेज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी आप बैक कैलकुलेशन कीजिएगा अमाउंट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट इन टू और आप जो वैल्यू अब जो वैल्यू बचेगा उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड कीजिएगा लेकिन अगर एग्जाम में रेट दिया हुआ ही नहीं है तो सर देन टेक कंप्लीट अमाउंट इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई का कैलकुलेशन ध्यान रखिएगा इंटरेस्ट के बारे में इंटरेस्ट पेनल्टी एंड लेट फी एंड द लास्ट वन इज सब्सिडी याद रखिएगा सब्सिडी अगर दिया जा रहा है विच इज डायरेक्टली लिंक टू प्राइस लेकिन गवर्नमेंट सब्सिडी सब्सिडीज दो टाइप के होते हैं एक होता है डायरेक्टली होता है गवर्नमेंट uh, का सब्सिडी गवर्नमेंट का सब्सिडी डायरेक्ट लिंक टू प्राइस हो लमसम सब्सिडी हो भूल जा बेटा इंक्लूड नहीं करना अदर देन गवर्नमेंट सब्सिडी में अदर देन गवर्नमेंट का सब्सिडी में अगर लमसम सब्सिडी है इंक्लूड मत कीजिएगा लेकिन सब्सिडी विच इज डायरेक्टली लिंक टू प्राइस जिसके कारण डायरेक्टली प्राइस इंपैक्ट होता है उसको आपको इंक्लूड करना है ठीक है सर पॉइंट क्लियर है तो मैंने अभी आपको बोला सेक्शन में फिफ्टी वन ट्रांजेक्शन वैल्यू लीजिएगा ट्रांजेक्शन वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई

कमीशन एंड एस फॉर सब्सिडीज विच आर डायरेक्टली लिंक टू प्राइस एंसर अदर देन गवर्नमेंट सब्सिडीज उसके बाद आता है डिस्काउंट याद रखिएगा डिस्काउंट जो दिया जाता है च इज गिवन बिफोर और टाइम ऑफ सप्लाई जिसको इनवाइस में दिखा दिया गया है डू नॉट इंक्लूड इन दैल्यू ऑफ सप्लाई एनी डिस्काउंट बाई व टाइम और बिफोर द सप्लाई दप्लाई और बिफोर द टाइम ऑफ सप्लाई जब आप इनवाइस इशू कर रहे थे उस डिस्काउंट को आपने इन्वॉइस में ऑलरेडी दिखा दिया था तो बेटा याद रखना उस डिस्काउंट को हमें एक्सक्लूड करके फिर जो रिमेनिंग अमाउंट होगा उसी को वैल्यू ऑफ सप्लाई बोला जाएगा उस पर जीएसटी आएगा लेकिन अगर डिस्काउंट दिया गया बाद में इफ डिस्काउंट इज गिवन आफ्टर द इयर आफ्टर द सप्लाई

झे जो मैं डिस्काउंट दूंगा वो ईयर एंड पे दूंगा बेस्ड ऑन योर टर्नओवर ठीक है सर नंबर टू डिस्काउंट को मैं स्पेसिफिकली लिंक कर पा रहा हूं हर एक इनवाइस के लिए कितना डिस्काउंट दे रहा हूं मैं डिस्काउंट इज स्पेसिफिकली टू एंड नंबर थ्री जब मैंने उसे डिस्काउंट के लिए क्रेडिट नोट इशू किया तो उसने अपना क्रेडिट रिवर्स किया जो एक्स्ट्रा क्रेडिट लिया हुआ था अगर आईटीसी हैज बीन बाय द एंड ऑन द बेस ऑफ क्रेडिट नोट तो डिस्काउंट को मेरे वैल्यू ऑफ सप्लाई से एक्सक्लूड किया जाएगा और डिस्काउंट को मेरे वैल्यू ऑफ सप्लाई से बेसिकली एक्सक्लूड किया जाएगा अदरवाइज डिस्काउंट को एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा ठीक है सर पॉइंट क्लियर है अब सुनिए मैंने आपको अभी तक क्या बोला मैंने आपको बोला सेक्शन नंबर सेक्शन नंबर वन बोला ट्रांजेक्शन वैल्यून टू बोला को कर देना सेक्शन नंबर थ्री डिस्काउंट के बारे में बोला अगर डिस्काउंट इज गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई जो इन वॉइस में रिकॉर्डेड है तो डिस्काउंट इज टू बी एक्सक्लूडेड अगर डिस्काउंट गिवन आफ्टर है तो याद रखिएगा अली कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड तभी एक्सक्लूड किया जाएगा अदरवाइज एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा अग्रीमेंट होना चाहिए स्पेसिफिकली डिस्काउंट शुड बी टू सर हर एक के लिए मैं कितना डिस्काउंट दे रहा हूं बाईट ऑन द बेस ऑफ क्रेडिट नोट तभी डिस्काउंट को एक्सक्लूड किया जाएगा अदरवाइज सप्लाई से एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा ठीक है सर पॉइंट क्लियर है अब यहां पे एक अमेंडमेंट आया हुआ है no bonus, में बोलूंगा ठीक है सर, इसको को में बोलूंगा। अब सुनिए सेक्शन नंबर 3 हो चुका है सेक्शन नंबर 15 4 की बात करते हैं सेक्शन नंबर 15 4 बोलता है अगर वैल्यू नॉट बी डिटरमाइंड अंडर तो आप एक काम कीजिएगा अप्लाई कीजिएगा रूल नंबर 27 टू रूल नंबर 31 तो सर अगर समझ लीजिए वैल्यू ऑफ सप्लाई द मनी इज नॉट द होल कंसिडरेशन समझ लीजिए मैंने आपको सप्लाई दिया आपने मुझे पैसे भी दिए और आपने अपना वॉच भी दे दिया आपने मनी नहीं दिया मनी के मनी दिया मनी के साथ आपने कुछ और भी दे दिया तो मनी इज नॉट द ओनली कंसिडरेशन मनी शुड बी द ओनली कंसिडेशन तभी ट्रांजेक्शन वैल्यू लेंगे अगर मनी इज नॉट द होल कंसिडेशन कुछ और आपने दे दिया है तो सर उस केस में वैल्यूएशन रूल उसके सेवन लगेगा जो बोलता है पहले जो मैंने आपको सप्लाई किया उसका ओपन मार्केट वैल्यू अगर है तो ओपन मार्केट वैल्यू ही वैल्यू अगर उसका अगर मैंने जो आपको सप्लाई किया उसका ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है तो जो आपने मुझे पैसा दिया है प्लस मैंने आपने जो एडिशनल कंसिडेशन दिया समझ लीजिए आपने घड़ी दिया उसका वैल्यू निकाला जाएगा फेयर मार्केट वैल्यू लिया जाएगा फेयर मार्केट वैल्यू प्लस जो मनी मनी आपने दिया प्लस फेयर मार्केट वैल्यू और जो एडिशनल कंसीडरेशन आपने दिया है उसका टोटल बनेगा वैल्यू ऑफ सप्लाई सर अगर आपने जो आइटम दिया उसका फेयर मार्केट वैल्यू मिल ही नहीं रहा है तो मैंने जो सर्विस दिया था या मैंने जो सप्लाई किया था उसका जैसा लाइक कर्ट एंड क्वालिटी का वैल्यू लिया जाएगा

अमाउंट निकाल लेंगे एडिशनल कंड्रेशन का वैल्यू ऐसे निकलेगा प्लस मनी को टोटल करेंगे और मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगा सर अगर रूल नंबर थर्टी भी पॉसिबल नहीं है नालायक अब एक काम कर रूल नंबर थर्टी वन लगा दे जो बोलता है मेथड अपना दिमाग लगा और वैल्यू ऑफ फाइंड आउट कर ले बेस्ट जजमेंट बेसिकली वैल्यू ऑफ सप्लाई बेस्ड ऑन रीजनेबल मीन अपलाइंग सेक्शन नंबर फिफ्टीन प्लस जो अर्लियर रूल्स है उनको अप्लाई करना है और वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है ठीक है सर पॉइंट क्लियर है उसके बाद रूल नंबर ट्वेंटी आता है रूल नंबर ट्वेंटी एट बोलता है यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन एंड डिस्टिंग पर्सन रिलेटेड पर्सन कौन होता है सर रिलेटेड पर्सन का स्कोप बहुत बड़ा होता है स्कोप प्लस फैमिली प्लस सोल एजेंट याद कर बेटा स्कोप स्कोप का मतलब होता है एस एस मतलब होता है शेयर ग्रेटर टू ट्वेंटी फाइव परसेंट इन बोथ ऑफ देम इसमें इसमें भी देखा ट्वेंटी फाइव परसेंट शेयर है ग्रेटर देन इक्वल टू तो ये दोनों रिलेटेड हो जाएंगे ठीक है मैं और ये मैं और ये रिलेटेड नहीं है ये दोनों रिलेटेड हो जाएंगे सी फॉर कंट्रोल अगर एक आदमी दो आदमी को कंट्रोल कर रहा है तो सर ये दोनों रिलेटेड ये ये है तो भी रिलेटेड है ईच अदर को कंट्रोल कर रहे हैं तो भी रिलेटेड है ये दोनों कॉमनली अगर किसी को कंट्रोल कर रहे हैं तो भी ये दोनों रिलेटेड है पूरा चेन ही बेसिकली यहां पे कनेक्टेड रिलेटेड पर्सन बन जाता है ओ फॉर ऑफिसर और डायरेक्टर पी फॉर पार्टनर ई फॉर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय मैंने सप्लाई चैप्टर में सप्लाई के चैप्टर में रिलेटेड uh, पर्सन के बारे में बोला था शेयर ग्रेटर टू ट्वेंटी फाइव परसेंट कंट्रोल ऑफिसर और डायरेक्टर पार्टनर एंड ई फॉर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप अगर होता है तो रिलेटेड पर्सन होता है स्कोप प्लस फैमिली फैमिली हमेशा याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट स्पाउस एंड चिल्ड्रेन हमेशा रिलेटेड पीजीबीएस पेरेंट ग्रैंड पेरेंट ब्रदर सिस्टर पीजीबीएस पेरेंट ग्रैंड पेरेंट ब्रदर सिस्टर अगर डिपेंडेंट है तो रिलेटेड है अदरवाइज रिलेटेड नहीं है प्लस सोल एजेंट भी रिलेटेड पर्सन होते हैं तो यहां पे वैल्यू ऑफ सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन एंड डिस्टिंग पर्सन डिस्टिंग पर्सन क्या होता है सेम स्टेट में अलग अलग रजिस्ट्रेशन डिस्टिंग पर्सन एक स्टेट में रजिस्टर्ड एक स्टेट में अनदर रजिस्टर्ड अनदर स्टेट में रजिस्टर्ड डिस्टिंग पर्सन एक स्टेट में रजिस्टर्ड अनदर स्टेट में नॉट रजिस्टर्ड भी डिस्टिंग पर्सन होते हैं और सर अगर आप सप्लाई कर रहे हो रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंग पर्सन को याद रखिएगा बहुत जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेप्ट थ्रू एजेंट क्योंकि एजेंट अगर सोल एजेंट भी है तो एजेंट के लिए हमेशा याद रखिएगा वैल्यूशन रूल नंबर ट्वेंटी नाइन लगेगा वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स मेड और रिसीव थ्रू एजेंट आपको वैल्यूएशन रूल नंबर 29 लगाना है चाहे वो नॉर्मल एजेंट है चाहे वो सोल एजेंट है हमेशा एजेंट का केस में वैल्यूएशन रूल नंबर 29 लगाइएगा ठीक है अब सर यहां बोला गया है वैल्यू ऑफ सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंग पर्सन आपको ओपन मार्केट वैल्यू अपने सप्लाई का लेना है अगर आप अपने रिलेटेड पर्सन को सप्लाई कर रहे हो या डिस्टिंग पर्सन को सप्लाई कर रहे हो अगर वो नहीं है तो सर आपने जो सप्लाई किया है उसका लाइक एंड एंड क्वालिटी का वैल्यू ऑफ सप्लाई लीजिएगा वही बन जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई अगर वो भी नहीं है तो आपने जो सप्लाई किया है उसका 110% ऑफ द कॉस्ट ऑफ दॉक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विस ले लीजिएगा और उसके बाद अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो रेजुअल मेथड लगाइएगा दिमाग लगाइएगा और वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिएगा लेकिन एक बात याद रखिएगा सर्विस का केस में 120% फाइंड आउट करना ज्यादा दिक्कत होता है इसलिए वो बोलते हैं कि आप एक प्रोवाइजो है रूल नंबर 31 में जो बोलता है केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस सप्लायर में ऑप्ट रूल नंबर थर्टी आप रूल नंबर थर्टी वन भी लगा सकते हो एक प्रोवाइजो दिया हुआ है ठीक है सर पॉइंट क्लियर है तो आपने अभी तक क्या बोला सर मैंने यहां पे आपको वैल्यूएशन रूल नंबर के बारे में बोला ओपन मार्केट वैल्यू ले लेना अगर ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है तो मनी प्लस फेयर मार्केट वैल्यू ले लेना अगर वो भी नहीं है लाइक एंड एंड क्वालिटी ले लेना अगर वो भी नहीं है तो मनी प्लस जो एडिशनल कंसिडेशन था उसका वैल्यू ऑफ थर्टी एंड थर्टी वन से फाइंड आउट कर लेना ट्वेंटी एट बोला ओपन मार्केट वैल्यू लगाइए उसके बाद लाइक एंड क्वालिटी लगाइए वो नहीं है तो रूल नंबर थर्टी एंड रूल नंबर थर्टी वन लगाइए अब यहां पे रूल नंबर ट्वेंटी एट में दो प्रोवाइजो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में रूल नंबर ट्वेंटी एट पे क्वेश्चन पूछते हैं प्रोवाइजो बोल रहा है इफ गुड्स आर फर्दर सप्लाइड बाय द एज सच मैंने अगर आपको सप्लाई किया रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंग पर्सन को और आपने एज सच सेम टू सेम सप्लाई कर दिया है कोई चेंजेस किया है बिना तो ये बोल रहा है वैल्यू एट द ऑप्शन ऑफ द सप्लायर मेरे ऑप्शन पे 90% आपने like आपने जो 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 अपने अपने को को किया किया था था करते हुए वो मेरे case का में वैल्यू ऑफ सप्लाई ले लिया जाएगा तो अगर समझ लीजिए मैंने आपको सप्लाई किया है और आप लाइक कैंड एंड क्वालिटी लाइक कैंड एंड क्वालिटी अपने कस्टमर को बेचते हो लाइक कैंड एंड क्वालिटी का 90% परसेंट मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई ले लिया जाएगा नॉट माई सप्लाई का ही

और रिसीव थ्रू एजेंट याद रखिएगा ओपन मार्केट वैल्यू है तो वो हो जाएगा अगर ओपन मार्केट वैल्यू है देखिए जनरली तो आप हमेशा सीक्वेंस से ले जाओगे ठीक है लेकिन यहां पे रूल नंबर ट्वेंटी नाइन में बोला हुआ है ओपन मार्केट वैल्यू और मतलब ये अवेलेबल है फिर भी अगर आप चाहो तो एक और ऑप्शन देख सकते हो नाइन्टी परसेंट ऑफ द प्राइस चार्ज बाय द एजेंट अगर एजेंट लाइक कंटेंट क्वालिटी बेचता है उसका नाइन्टी परसेंट मेरे और एजेंट के बीच का वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगा तो समझ लीजिए मेरा एजेंट है एजेंट जो लाइक कंटेंट क्वालिटी बेचता है उसका नाइन्टी परसेंट मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई बिटवीन मी एंड द एजेंट बन जाएगा या फिर ओपन मार्केट वैल्यू जो भी मुझे बेनिफिशियल लगेगा वही मैं लूंगा ठीक है सर नाइनटी परसेंट ऑफ द प्राइस चार्ज फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और लाइक कंटेंट क्वालिटी बाई द रिसिपियट टू इस कस्टमर एजेंट जब अपने कस्टमर को बेचता है जो रिलेटेड पर्सन नहीं

अब आता है 15, 15, है सेक्शन सेक्शन नंबर नंबर बोलता कि गवर्नमेंट वैल्यूएशन मेथड प्रेस्क्राइब कर देगा कुछ सप्लाईज के लिए और सर गवर्नमेंट ने यहां पे रूल नंबर थर्टी वन ए इंट्रोड्यूस किया जिसमें बोला वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग एंड हॉर्सेस का केस में जो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा क्या होगा अगर लॉटरी का केस है तो याद रखिएगा लॉटरी के केस में हंड्रेड Divided by 128 मतलब आपको 28% ऑफिशियल गैजेट विच इज हायर के ऊपर तो आपको 28 एट परसेंट ट्वेंटी इंक्लूसिव अज्यूम कर लेना है तो फेयर वैल्यू और जो ऑर्गेनाइजिंग स्टेट होता है उसके नोटिफाइड ऑफिशियल गैजेट में बेसिकली जो गवर्नमेंट प्राइस नोटिफाई कर दे विच इज हायर में आप मान लीजिएगा ट्वेंटी इंक्लूडेड है तो सर इंटू हंड्रेड डिवाइडेड बाय वन ट्वेंटी एट कर दीजिएगा उसके बाद बेटिंग गैमिंग एंड हॉर्स रेस के केस में सर यहां पे इन्होंने इंक्लूसिव नहीं माना है जो भी फेस वैल्यू ऑफ द बेट होगा मैंने बेटिंग में सौ रुपए लगाए वही वैल्यू ऑफ सप्लाई है ऑफ द बेटिंग सप्लाई यहां पे जो सामने वाले व्यक्ति ने किया है हंड्रेड परसेंट ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द बेट और अमाउंट पेड इनटू द टोटल इजेटर जो मशीन होता है उसमें जितना पैसा आपने डाला

जनरल मेथड भी फॉलो कर सकते हो चलिए ठीक है रूल रूल नंबर नंबर बोलता है अगर है अगर और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी बेटा 32 के ऊपर बड़े क्वेश्चन में एक छोटा सा पॉइंट दे देते हैं ध्यान रखिएगा परचेज और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी अगर आप करते हो तो आप एक मनी चेंजर हो आप परचेस करते हो या सेल करते हो फॉरेन करेंसी तो सर इधर दो मेथड आपको दिए गए हैं ये बोल रहे हैं पहला मेथड समझ लेते हैं करेंसी इन्वॉल्व अगर आई एन आर है आपने किसी को पैसा बेचा या पैसा आपने खरीदा है और आपने डॉलर दिए आई एन आर खरीद लिया या आई एन आर डॉलर खरीद के आई एन आर दे दिया तो यही यहां पे बात की जा रही है इन दिस केस अगर फॉरन करेंसी टू आई एन आर या आई एन आर टू फॉरन करेंसी हो रहा है तो अगर आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल है तो आपको ध्यान रखना है कि आपने जितने में बेचा माइनस द आरबीआई रेफरेंस रेट वो आपका मार्जिन था मार्जिन मल्टीप्लाइड बाई द करेंसी एक्सचेंज सेलिंग रेट माइनस आरबीआई रेफरेंस रेट आपने बेचा सेवेंटी एट रुपीज में पर डॉलर आरबीआई रेफरेंस रेट सेवेंटी सेवन का था तो आपने एक रुपया कमाया हजार डॉलर अगर एक्सचेंज हुआ तो आपने हजार रुपए कमा लिए वही बोल रहा है यहां पे लेकिन सर अगर समझ लीजिए आपने खरीदा है आरबीआई रेफरेंस रेट अस्सी रुपया था आपने सेवेंटी में खरीद लिया तो आपने एक पर डॉलर कमा लिया इंटू द करेंसी एक्सचेंज आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगा लेकिन आई एनआर इन्वॉल्व नहीं है डॉलर तो दिया पाउंड ले लिया ऐसा आ गया तो, तो आप एक काम कीजिएगा दोनों जो करेंसी है उसको आरबीआई रेफरेंस लग, रेट लगाते हुए आई एनआर में कन्वर्ट कीजिएगा लोअर अमाउंट लीजिएगा उसका एक परसेंट बन जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई ठीक है सर उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड यहां पे आता है जो सेकंड मेथड है वो बोल रहा है ये एक ऑप्शनल वैल्यूएशन मेथड में पहला मेथड ले लीजिए या फिर आप सेकंड मेथड ले सकते हो सेकंड मेथड एक स्लैब मेथड होता है कि अगर आपने जो करेंसी एक्सचेंज किया था वो अप टू वन लाख रुपीज था तो उसमें टू फिफ्टी और वन परसेंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज विच एवरेज हायर यहां पे बन जाएगा तो सर अगर एक लाख रुपया था समझ लीजिए मैंने जो करेंसी एक्सचेंज किया था तो आप एक काम कीजिएगा यहां पर 80,000 का 1% कितना हुआ सर 800 हंड्रेड रुपीज हुआ 800 और 250 फिफ्टी विच एवरेज हायर ठीक है सर पॉइंट क्लियर है जो यहां पे नेक्स्ट है कि अगर अमाउंट समझ लीजिए मोर देन 1 लाख अप टू 10 लाख था 1 लाख रुपीज तक तो 1% बोल दिया है तो सर एक काम कीजिएगा वन परसेंट मतलब वन थाउजेंड हो गया और जो रिमेनिंग नाइन लाख रुपीज है उस पर जीरो पॉइंट फाइव परसेंट लग जाएगा वैल्यू ऑफ आप सप्लाई आपका हो जाएगा अगर मोर देन टेन लाख रुपीज है तो सर देखिए अब टू वन लाख रुपीज पे तो वन परसेंट वन परसेंट हो गया वन थाउजेंड रुपीज नाइन लाख रुपीज के ऊपर हो गया फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो ये तो फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड हो गया और जो रिमेनिंग अमाउंट होगा उसके ऊपर आपको देना पड़ेगा जीरो पॉइंट वन परसेंट 0.1 परसेंट आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगा बेटा याद रखना ये जो टोटल अमाउंट होगा दैट शुड नॉट 60,000 मतलब मैक्सिमम आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई हो सकता है 60,000 थाउजेंड रुपीज डन सर पॉइंट क्लियर है चलिए द नेक्स्ट वन ओवर हियर हिस्सर थर्ट टू थ्री जो बोलता है अगर आप एक एयर ट्रेवल एजेंट है तो सर जो भी बेसिक फेयर होता है डोमेस्टिक बुकिंग का केस में आप डीम्ड डिक्लेयर कर सकते हो वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना है जिसके ऊपर एयरलाइन कंपनी आपको कमीशन पे करती है बेसिक फेयर इज द अमाउंट ऑन विच द एयरलाइन पेज कमीशन दट इज अमाउंट एक्सक्लूडिंग चार्जेस एंड टैक्सेस उसके बाद थर्ट टू फोर है यहां पर लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का केस में याद रखिएगा अगर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ओनली लाइफ रिस्क पॉलिसी सेल करती है एंटायर प्रीमियम वैल्यू ऑफ सप्लाई बनेगा अगर वो समझ लीजिए सेविंग पॉलिसी सेल कर रहे हैं ग्रॉस प्रीमियम माइनस जो इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्ट करती है आपके बिहार में उसको डिडक्ट करते हुए जो अमाउंट बचेगा वो वैल्यू ऑफ सप्लाई बनेगा अगर इंश्योरेंस कंपनी ने सिंगल एन्य पॉलिसी बेचा है सर सिंगल के पॉलिसी में अगर एक लाख रुपए यहां पे प्रीमियम लिया गया है एक लाख रुपए का दस वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगा लेकिन ऑल अदर केसेज में याद रखिएगा पहला साल के लिए जो भी प्रीमियम लिया 25% ऑफ द प्रीमियम बन जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई सेकंड ईयर से जो रिन्यूअल प्रीमियम लिया जाता है 12.5 ऑफ ऑफ द रिन्यूअल प्रीमियम वैल्यू सप्लाई बन जाएगा ठीक है है सर पॉइंट क्लियर ये तीनों के ऊपर एक एक छोटा छोड़ छोटा क्वेश्चन करके जाइएगा एग्जाम में बड़े क्वेश्चन का पार्ट आ जाता है उसके अलावा यहां पे बोला गया है अगर आप बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो सेकेंड हैंड गुड्स का आफ्टर माइनर रिपेयर तो याद रखिएगा अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेते हो तो सर वो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगा इनपुट टैक्स रेट अगर आप ले लेते हो तो ट्रांजेक्शन वैल्यू जो होगा वही वैल्यू ऑफ सप्लाई बनेगा नॉर्मल वैल्यूएशन लेकिन सर अगर मैं सेकंड हैंड गुड्स का डीलर हूं और मैं इनपुट टैक्स रेट नहीं लेता हूं तो ये बोलते हैं सेलिंग सेलिंग प्राइस 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 माइनस माइनस याद रखना जो मार्जिन होता है वही वैल्यू ऑफ सप्लाई बनेगा और मार्जिन अगर निगेटिव है तो सर उसको इग्नोर कर देना इसके ऊपर एक कला एसोसिएट्स का एक एमसीक्यू है ध्यान रखिएगा वो करके जाइएगा कला एसोसिएट्स ऐसा ही कुछ नाम है उसका एमसीक्यू बुक में एक एमसीक्यू है मतलब कंपाइलर में उसका एक MCQ है करके जाइएगा ठीक है सर सर समझ लीजिए का सर purchase price क्या होगा समझ लीजिए मैं एक बैंकिंग कंपनी हूं मैंने अगर कुछ गुड्स को रिपोर्जेस कर लिया आपसे मैंने वापस ले लिया तो उस केस में आपका जो परचेस प्राइस होगा माइनस फाइव परसेंट पर क्वार्टर और पार्ट डेयर ऑफ टिल द डेट आई डिस्पोज तब तक का हाँ मुझे वहां पे वो मेरा परचेज प्राइस बनेगा सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस मार्जिन पे मुझे जीएसटी पे करना पड़ेगा मार्जिन बनेगा मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई याद रखिएगा अगर कोई रिपर्जेस कर लेता है गुड्स को वापस ले लेता है बैंकिंग कंपनी वगैरह तो उस केस में जो परचेजिंग प्राइस था डिफॉल्टिंग बोरोवर का जो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन था माइनस द फाइव पर क्वार्टर और पार्ट ईयर ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज बाई द डिफॉल्टिंग बोरोवर टिल द डेट ऑफ डिस्पोजल

पर्सन जिसको मैंने वो वाउचर टोकन सप्लाई किया है उसके बाद अगर सर गवर्नमेंट चाहे तो गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है कुछ सप्लाई ऑफ सर्विस को जो डिस्टिंग पर्सन के बीच में अगर वो सप्लाई ऑफ सर्विस हो रही है तो उसका वैल्यू नील लिया जा सकता है इफ द आई टी सीज अवेलेबल लेकिन अभी तक कुछ नोटिफाइड नहीं है तो ये टोटल बकवास है उसके बाद रूल नंबर थर्ट थ्री आता है प्योर एजेंट अगर मेरा हार्ट प्योर है और मैंने अगर आपके बिहार में कोई एक्सपेंस इंकर किया है वो विथ रेस्पेक्ट टू माई सप्लाई नहीं है आपने मुझे समझ लीजिए मैंने आपको बोला मैं आपको क्लास दे रहा हूं क्लास के लिए मैं आपसे दस हजार रुपए लूंगा एक दिन मैं इंस्टीट्यूट जा रहा था और आपने बोला आईसीआई जा रहे हो सर मुझे एक बुक खरीद के ला दीजिएगा वो मेरा सप्लाई नहीं है मेरा काम नहीं है बुक खरीदना लेकिन फिर भी आपने बोला तो मैं इंस्टीट्यूट गया था मैं इंस्टीट्यूट से आपको एक बुक खरीद के ला दिया आपसे जो एक्चुअल अमाउंट था ले लिया इनवॉइस भी आपके नाम पे सारा टाइटल भी आपके नाम पे मैंने बुक को अपने लिए यूज नहीं किया बस मेरा हार्ट प्योर था मैंने ये बुक खरीद के आपको दे दिया आपसे एक्चुअल अमाउंट रिकवर कर लिया मेरा हार्ट प्योर था इसको बोलते हैं प्योर एजेंट का सप्लाई और एज ए प्योर एजेंट जो भी अमाउंट मैंने आपसे जो बेसिकली ये सप्लाई मैंने आपको खरीद के दिया इसके लिए जो अमाउंट आपसे चार्ज किया वो ये बोल रहे हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई से मेरे वैल्यू ऑफ सप्लाई से एक्सक्लूड हो जाएगा देखिए डिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर इंकर्ड प्योर एजेंट ध्यान रखिएगा ये पॉइंट पॉइंट एग्जाम में में कभी कभी छोटा सा बड़े क्वेश्चन पूछ लेते हैं एक्सपेंडिचर और कॉस्ट इंकर्ड बाय ए सप्लायर एस प्योर एजेंट इज ऑलवेज टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम वैल्यू ऑफ सप्लाई कंडीशन है मैं एज ए प्योर एजेंट आपका काम कर रहा हूं पेमेंट सेपरेटली इनवॉइस में इंडिकेट कर रहा हूं जो आपसे एज ए प्योर एजेंट कलेक्ट किया है सप्लाइज ड पार्टी आर इन एडिशन टू सप्लाई किया है वो मेरा सप्लाई था अब मैंने आपसे थर्ड पार्टी के लिए थर्ड पार्टी से आपसे आपके लिए कुछ सर्विसेज ली हैं और वो एक्चुअल अमाउंट आपसे रिकवर करके बस थर्ड पार्टी को दे दिया है मैंने यहाँ पे कोई प्रॉफिट कमाया नहीं मैंने यहाँ पे सप्लाई अपने लिए नहीं लिया था बस ये अडिशनल सप्लाई था जो मैंने किया ऑन द बिहाफ ऑफ माई क्लाइंट फॉर द कन्वीनियंस ऑफ माई क्लाइंट जो जो अमाउंट आपसे रिकवर करूंगा इन वॉइस में अलग से दिखाऊंगा और वो मेरे वैल्यू में इंक्लूड नहीं होगा इसके ऊपर एक क्वेश्चन आंसर बुक में रूल नंबर थर्ट थ्री पे एक क्वेश्चन दिया है मैंने करके जाइएगा अपने क्यू एंड मटेरियल में है ठीक है सर उसके बाद रूल नंबर थर्टी फोर आता है रेट ऑफ एक्सचेंज इन फॉर डिटमिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विस सर टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विस का केस no केस केस में केस में में याद रखिएगा नो रेट रेट नोटिफाइड बाय द सीबीआईसी टैक्सेबल गुड्स का का एंड सर्विसेज गैप लीजिएगा किस दिन का लेना है सर ऑन द डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड ऑन द डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस तो अगर आपको कभी भी कन्वर्जन करना पड़ा जीएसटी में डॉलर्स पाउंड्स वगैरह में इनवाइस है और उसका कन्वर्जन करना है याद रखिएगा गुड्स का केस में आपको सीबीआईसी नोटिफाइड रेट लेना है जो कस्टम्स में सीबीआईसी नोटिफाई करती है अंडर सेक्शन नंबर 14 ऑफ द कस्टम एक्ट जिस दिन टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स होता है सर्विसेज के केस में गैप रेट लीजिएगा ऑन द डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज उसके बाद रूल नंबर थर्टी आता है अगर वैल्यू इंक्लूसिव है तो आपको एक्सक्लूसिव कैसे करना है सर बस बैक कैलकुलेशन कीजिएगा इंक्लूसिव वैल्यू डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट इनटू 100 करोगे वैल्यू आ जाएगा इन टू जीएसटी कर दोगे तो सर जीएसटी अमाउंट निकल के आ जाएगा उसके अलावा यहां पे छोटे मोटे सर्कुलर है चलिए फटाफट सर्कुलर्स को कवर कर लेते हैं सर जो पहला पहला सर्कुलर है वो अबाउट है पीएसएफ एंड यूडीएफ है चलिए इस पीएसएफ एंड यूडीएफ के सर्कुलर को समझा देता हूं सुनिए सर पी एस एफ एंड यूडीएफ क्या हो रहा है यहां पे यहां पे क्या होता है एक पैसेंजर है समझ लीजिए आप पैसेंजर हो यहां पे एयरलाइन कंपनीज होती हैं जो बेसिकली एयरलाइन चलाती हैं ये एयरलाइन ऑपरेटर्स हैं ठीक है एक एयरलाइन ऑपरेटर्स होते हैं और सर एक होता है एयरपोर्ट ऑपरेटर जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये एयरपोर्ट ऑपरेटर है ये एयरपोर्ट ऑपरेटर है ठीक है अब सुनिए एयरपोर्ट ऑपरेटर क्या करते हैं एयरपोर्ट को मैनेज करते हैं अब एयरपोर्ट को मैनेज करने के लिए वो क्या करते हैं एयरपोर्ट पे बहुत सारी सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाती है जैसे पानी वॉशरूम वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं तो उसके लिए एयरलाइन एयरपोर्ट ऑपरेटर्स क्या करते हैं आपसे एक अमाउंट कलेक्ट करते हैं लेकिन वो अमाउंट क्या करते हैं वो अमाउंट आपसे डायरेक्टली कलेक्ट नहीं करते उस अमाउंट को हम पी एस एफ एंड यूडीएफ बोलते हैं वो आपसे पी एस एफ एंड यूडीएफ कलेक्ट करते हैं लेकिन वो बोलते हैं एयरलाइन कंपनी को कि एयरलाइन कंपनी जब आप अपना टिकट बेचो समझ लीजिए आपने टिकट बेचा है यहाँ पे दस हजार रुपए का टिकट के ऊपर आप जो भी जीएसटी है वो चार्ज कर लो प्लस जो भी पीएसएफ है और यूडीएफ है पीएसएफ एंड यूडीएफ इसलिए लिया जाता है क्योंकि एयरपोर्ट ऑपरेटर्स जो होते हैं वो आपके लिए जैसे के हो गया कैंपेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड वैसे दिल्ली का हो गया डी ठीक है तो ये जो एयरपोर्ट ऑपरेटर्स होते हैं ये क्या करते हैं एयरपोर्ट पे आपको सर्विस जो देते हैं उसके लिए एयरलाइन कंपनीज को बोलते हैं कि एयरलाइन कंपनी जब आप टिकट बेचो तो टिकट पे अपना टिकट का जो भी प्राइजेस है प्लस जीएसटी ले लो प्लस हमारे लिए समझ लीजिए तीन सौ रुपए का पीएसएफ एंड यूडीएफ पीएसएफ या यूडीएफ जो भी हो पीएसएफ यूडीएफ प्लस जीएसटी कलेक्ट कर लेना आप हमें प्लस कस्टमर आपको टिकट का चार्जेस भी देगा प्लस पीएसएफ यूडीएफ भी देगा प्लस जो भी जीएसटी है वो देगा आप हमें पीएसएफ प्लस यूडीएफ दे देना और उस उसपे जो भी जीएसटी आपने कलेक्ट किया हमें दे दीजिएगा और हम जीएसटी गवर्नमेंट को पे कर देंगे अब पता है क्या होता है प्रैक्टिकली पीएसएफ एंड यूडीएफ पे जीएसटी कलेक्ट नहीं किया जाता ठीक है और सर यहां पे PSF and UDF आता है और ये PSF and UDF पास ऑन कर देते हैं इस केस में याद रखिएगा फिर भी एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को जो भी अमाउंट आया है पीएसएफ एंड यूडीएफ के लिए जो भी अमाउंट आया है उससे जीएसटी निकाल के गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा बाय द एयरपोर्ट ऑपरेटर्स याद रखिएगा ठीक है सेकेंडली पहला क्लैरिफिकेशन पी एस एंड यूडीएफ पे जीएसटी है और एयरपोर्ट ऑपरेटर्स पे करेंगे सेकेंडली एयरलाइन ऑपरेटर्स का जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है वो दस हजार रुपया ही होगा एस एयरलाइन ऑपरेटर के वैल्यू में इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि एयरलाइन ऑपरेटर्स बोल रहे हैं सर हम तो दस हजार रुपया लिया है हमने जोएसएफ एंड यूडीएफ का अमाउंट है ये तो बस करते सामने दे दिया है तो सर ये एयरपोर्ट एयरलाइन ऑपरेटर के वैल्यू सप्लाई में पीएसएफ एंड यूडीएफ इंक्लूड नहीं होगा नेक्स्ट तो सर इन्होंने जो प्योर एजेंट का सर्विसेज दिया है प्योर एजेंट के सर्विसेज के लिए हो सकता है पर पी एस यूडीएफ जो कलेक्ट करके इनको दिया है उसके लिए इनसे एक समझ लीजिए पांच रुपए प्लस जीएसटी कलेक्ट करें यस बाबा कर सकते हैं जो प्योर एजेंट का सर्विसेज था फॉर प्योर एजेंट सर्विसेज एयरलाइन कंपनीज क्या करेंगी एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को इनवॉइस देंगी एयरपोर्ट ऑपरेटर आईटीसी भी उस इन्वाइसेस का ले सकते हैं यह भी क्लारिफिकेशन आया है थर्डली यहां पे एक बात याद रखिएगा पैसेंजर को अगर जीएसटी का क्रेडिट चाहिए तो जो एयरलाइन

एयरलाइन ऑपरेटर का जो टिकट जो इनवाइस इशू किया जाएगा एयरलाइन ऑपरेटर के थ्रू उसके बेसिस पे जो पैसेंजर है वो जीएसटी का क्रेडिट भी ले सकते हैं लेकिन अगर जीएसटी पीएसएमएडीएफ पर अलग से नहीं दिखाया गया तो बेटा आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा सिर्फ टिकट रिलेटेड जो क्रेडिट है वो मिल जाएगा डन सर पॉइंट क्लियर है यही यहां बोला गया है इन यूडीएफ आर द एयरपोर्ट अथॉरिटी

एस एंड एन यूडीएफ एयरलाइन ऑपरेटर का ट्रम्प वैल्यू ऑफ सप्लाई में नहीं आता एयरपोर्ट ऑपरेटर को पीएसएफ एंड यूडीएफ कलेक्ट करके दिया जाता है एयरपोर्ट ऑपरेटर जीएसटी पे करेंगे ठीक है सर सर उसके बाद एंड एज ए प्योर एजेंट मैंने सर्विस दिया था मेरे वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं होगा लेकिन सर एज ए प्योर एजेंट सर्विसेज देने के लिए मैंने अगर उनको कुछ अमाउंट चार्ज किया है तो वो मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई है बाय द एयरलाइन ऑपरेटर टू द एयरपोर्ट ऑपरेटर और उसके लिए जो भी जीएसटी चार्ज करना है कर सकते हैं और एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को उसका क्रेडिट भी मिल जाएगा सर कस्टमर को अगर क्रेडिट चाहिए तो पीएसएफ यूडीएफ पे जो जीएसटी चार्ज किया गया था अगर और टिकट पे जो भी जीएसटी चार्ज किया गया था एयरलाइन ऑपरेटर ने जो इन्वॉज दिया है उसके बेसिस पे, पे पैसेंजर्स क्रेडिट भी ले सकते हैं ठीक है सर पॉइंट क्लियर है लेकिन अगर जीएसटी अलग से दिखाया नहीं तो पैसेंजर को क्रेडिट भी नहीं मिलेगा

सामान कैसे बिस्किट बेचे है? मुझे कुत्ते भी नहीं खा रहे हैं तो मैंने बोला चल तुझे दो रुपए का डिस्काउंट देता हूं। ये जो दिया, इसके लिए प्रायर नहीं था एंड डिस्काउंट विल नॉट बलूडेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई इसे हम सेकंड बोलेंगे दिस वॉज नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई इसके लिए अली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है एंड दिस शैल नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई उसके बाद एक बात याद रखिएगा बिजनेस करस्पॉन्डेंट और बिजनेस फैसिलिटेटर मॉडल में समझ लीजिए बैंक है बैंक ने एक बिजनेस करिस्पॉन्डेंट बिजनेस फैसिलिटेटर को इन्वॉल्व किया है और सर यहां पे कस्टमर है ठीक है बिजनेस फैसिलिटेटर बिजनेस करिस्पॉन्डेंट के थ्रू बैंक ने कस्टमर को सर्विस दिया और कस्टमर से एक अमाउंट कलेक्ट किया याद रखिएगा Business business provider, और जो भी ने कलेक्ट किया टोटल अमाउंट पे बैंकिंग कंपनी को जीएसटी देना पड़ेगा लाइबल टू पे जीएसटी ऑन द एंटायर फीस कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर उसके बाद जीएसटी ऑन डिलेट पेमेंट ऑफ ई आता है चलिए मैं आपको इसको इसके बारे में बोल देता हूं जीएसटी ऑन डिलेट पेमेंट चार्जेस इन उसके बाद इन केस ऑफ लेट पेमेंट ऑफ ई समझ लीजिए यहाँ पे एक दुकानदार है दुकानदार को मैंने बोला अंकल अंकल मुझे एक मोबाइल फोन चाहिए अंकल ने बोला ठीक है मोबाइल फोन ले लीजिए अंकल ने मुझसे फोर्टी थाउजेंड रुपीज लिए वो वैल्यू ऑफ सप्लाई बन गया ठीक है सर अंकल का मोबाइल फोन का वैल्यू ऑफ सप्लाई थाउजेंड ठीक है मैं गया अंकल के पास अंकल को बोला अंकल अंकल मुझे एक मोबाइल फोन चाहिए अंकल ने बोला ठीक है मोबाइल फोन ले ले मैंने बोला अंकल मुझसे आप दस हजार रुपए पर मंथ ले लीजिएगा फोर्टी थाउजेंड का मोबाइल फोन है टेन थाउजेंड रुपीज पर मंथ लेन थाउजेंड रुपीज आपको मैं इंटरेस्ट भी पे कर दूंगा इस केस में याद रखिएगा क्योंकि अंकल ने आपसे इंटरेस्ट अलग से लिया है तो आपने बिकॉज वैल्यू ऑफ सप्लाई के साथ यहां पे मोबाइल फोन के साथ आपको ट्रांजैक्शन दिया गया था अंकल के द्वारा तो यहां पे वैल्यू ऑफ सप्लाई 44,000 फोर बनेगा समझ लीजिए आपने डिले किया तो अंकल ने आपसे पांच रुपए ले लिया तो अंकल का वैल्यू ऑफ सप्लाई फोर्टी फोर बन जाएगा यही बोल रहे हैं अगर सप्लायर आपको ई एम ट्रांजेक्शन दे देता है तो उस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई टोटल अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ जो इंटरेस्ट या जो भी पेनल इंटरेस्ट आपसे और टोटल आप नहीं रहेगा ठीक है सर उसके अलावा समझ लीजिए यहां पे एक सप्लायर है अंकल है आप यहां पे हो अंकल को आपने बोला मुझे मोबाइल फोन चाहिए अंकल ने बोला भाग ईएमआई ट्रांजैक्शन नहीं दूंगा आप चले गए बजाज फाइनेंस के पास बजाज फाइनेंस ने आपको दे दिया लोन फोर्टी थाउजेंड रुपीज का और आपने क्या किया अंकल के मुंह पे मारा चेक को बोला ले फोर्टी थाउजेंड रुपीज तेरा और मुझे मोबाइल फोन दे दे यहां वैल्यू ऑफ सप्लाई अंकल का बनेगा फोर्टी थाउजेंड रुपीज अंकल जीएसटी चार्ज करेंगे फोर्टी थाउजेंड रुपीज पे लेकिन क्योंकि ई एम आई ट्रांजेक्शन आपको एक बजाज फाइनेंस ने दिया समझ लीजिए यहां पे ने आपको लोन दे दिया था और अब अगर आप इंटरेस्ट इनको पे कर रहे हो तो ये एक अलग ट्रांजेक्शन था जिस पे जिसका वैल्यू ऑफ सप्लाई फोर्टी थाउजेंड है और क्योंकि इसने आपको लोन दिया आपने इनको इंटरेस्ट पे किया पिनल इंटरेस्ट वगैरह पे किया आपने इनको बोला टेन थाउजेंड रुपीज हर महीना पे कर दूंगा प्लस आपको मैं इंटरेस्ट अमाउंट दूंगा अगर कोई रुपीजन इंटरेस्ट है, है यहां इंटरेस्ट विल बी एक्समटेड अंडर एंट्री नंबर ट्वेंटी सेवन ऑफ द एक्सम्स नोटिफिकेशन ट्वेल्वेंड एंड सेवेंटीन डन सर पॉइंट क्लियर है इफ सेलर ईएमआई एडिशनल और पिनल इंटरेस्ट विल फॉर्म पार्ट ऑफ बैलू सप्लाई लेकिन अगर थर्ड फाइनेंस कंपनी आपको देता है इंटरेस्ट या इंटरेस्ट जो होगा वो होगा अंडर द नोटिफिकेशन ठीक है सर उसके बाद डेल क्रेडिट एजेंट का बात आता है बेटा एक बात याद रखना यहां डेल क्रेडिट एजेंट कौन होता है डेल क्रेडिट एजेंट वो एजेंट होता है जो गारंटी करता है पेमेंट टू द सप्लायर इन सीनारियो जहां बायर फेल हो जाता है टू मेक द पेमेंट वहां पर पे डेल क्रेडिट एजेंट बोलता है सर मैं आपको पे कर दूंगा समझ लीजिए यहां पर एक प्रिंसिपल है यहां पे आप एक डेल क्रेडिट एजेंट हो ठीक है यहां पे कस्टमर है ठीक है सर इस केस में क्या हो रहा है चलिए समझ लीजिए डेल क्रेडिट एजेंट वाला सर्विसेज के बारे में डेल क्रेडिट एजेंट कौन होता है जो गारंटी देता है प्रिंसिपल को कि अगर कस्टमर ने पेमेंट नहीं किया मैं कर दूंगा सर टेंशन मत लीजिएगा ठीक है अब सुनिए यहां पर प्रिंसिपल ने क्या किया डायरेक्टली एक इन्वाइस इशू कर दिया और अब यहां पे कस्टमर को पेमेंट करना था कस्टमर पेमेंट नहीं कर रहा था तो डेल क्रेडिट एजेंट ने पेमेंट कर दिया प्रिंसिपल को और कस्टमर को बोला अरे नालायक तूने टाइमली पेमेंट नहीं किया लेकिन मैंने तो पेमेंट करना था मैंने पेमेंट कर दिया प्रिंसिपल को यहां डायरेक्टली दिया गया था याद रखिएगा तो यह सप्लाई किसका था प्रिंसिपल का था ठीक है सर अब क्या हुआ क्योंकि कस्टमर पेमेंट नहीं कर रहा था डेल क्रेडिट एजेंट ने पेमेंट कर दिया और कस्टमर को बोला नालायक तेरे कारण मैंने पेमेंट किया इट्स लाइक कि मैंने तुझे लोन दिया है और अब तू मुझे जब पेमेंट करेगा तो पेमेंट के साथ वैल्यू ऑफ सप्लाई के साथ तू मुझे इंटरेस्ट भी पे करना अब एक बात याद रखिएगा क्योंकि यहां पे डेल क्रेडिट एजेंट और कस्टमर के बीच में एक इंडिपेंडेंट लोन ट्रांजैक्शन हुआ है यहां जो इंटरेस्ट रिकवर किया जाएगा दैट सेल बी एग्जेम फ्रॉम जीएसटी क्योंकि यहां पे प्रिंसिपल सप्लाई जो हुआ था वो डायरेक्टली बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द कस्टमर हुआ था मैंने तो इसके साथ कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया था बस इसे लोन दिया है क्योंकि मैंने इसके बिहार में पेमेंट किया इट्स लाइक like मैंने इसे लोन दिया है इंटरेस्ट लिया है इंटरेस्ट विल बी एक्जेंट फ्रॉम वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट विल बी एग्जेमटेड और यहां पे जो वैल्यू ऑफ सप्लाई बनेगा समझ लीजिए प्रिंसिपल ने अगर सप्लाई किया था एक लाख रुपए के लिए बस एक लाख की वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा इंटरेस्ट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ

तू मुझे जब पेमेंट करेगा इनवॉइस का वैल्यू भी पे करेगा प्लस तुझे मुझे इंटरेस्ट भी कलेक्ट हाँ मतलब करूंगा इस केस में क्योंकि प्रिंसिपली सप्लाई आप कर चुके थे यहां पर जो आप पैसे दे दिए ना उसके बिहाफ में उसके लिए जो आप इंटरेस्ट कलेक्ट कर रहे हो दिस इंटरेस्ट विल बी इंक्लूडेड इन वैल्यू ऑफ सप्लाई याद रखिएगा इंटरेस्ट विल फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई बाय द डेल क्रेडिट एजेंट टू द कस्टमर ठीक है सर लेकिन इंटरेस्ट पेनल्टी एंड लेट फी का केस में एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा इंटरेस्ट पेनल्टी एंड लेट फी जनरली हम हमेशा एज्यूम करते हैं कि दैट इज ऑलवेज इंक्लूसिव ऑफ द जीएसटी ठीक है सर पॉइंट क्लियर है जो एजशन है एग्जाम में अच्छे से लिख के आना यही बोला है ऑर्डर टू गारंटी टाइमली पेमेंट डेल क्रेडिट एजेंट रिजॉर्ट टू पेइंग द सप्लायर हिमसेल्फ एंड लेटर रिकवरिंग इट थ इंटरेस्ट फ्रॉम द बायर ठीक है इफ डेल ट्रेड एजेंट फेल्स टू फॉल्स अंडर शेड्यूल वन पैराग्राफ नंबर थ्री मतलब ये अपने नाम पर इन्स इश्यू करता है तो टेम्पररी लोन नो लॉन्गर रिटेन्स इंडिपेंडेंट कैरेक्टर ऑफ इंडिपेंडेंट सप्लाई एंड इज सब्स्यूम्ड इन द सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द डेल ट्रेड एजेंट टू द रिसपी एंड इंटरेस्ट चार्ज नहीं दिया है तो टेम्प्रेरी लोन जो होगा वो इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शन है यह बस एक इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शन कर रहा है और यहाँ पे इंटरेस्ट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई इंटरेस्ट यहां तो एक्सम रहेगा उसके अलावा एक छोटा सा यहां पर

क्योंकि लैंड पे जीएसटी नहीं होता तो आप वन थर्ड ऑफ द देशन डीम वैल्यू ऑफ लैंड ले लेना वन करोड़ रुपीज और टू करोड़ रुपीज विल बी द वैल्यू ऑफ योर कंस्ट्रक्शन सर्विस और उस उसपे जीएसटी आपको चार्ज करना है तो अगर मैंने समझ लीजिए एक फ्लैट बेचा है बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्युपेंसी अर्लियर तो सर अगर मैंने तीन करोड़ का फ्लैट बेचा था एक करोड़ लैंड का वैल्यू लेते हुए जो दो करोड़ रुपए हैं सर सेल ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट इज कंस्ट्रक्शन सर्विस लेकिन कंस्ट्रक्शन सर्विस में भी आपको जीएसटी से टू थर्ड वैल्यू पे देना है ऑफ द सेल ऑफ लैंड एंड कंप्लीटेड बिल्डिंग चैप्टर में जो अमेंडमेंट आया है नंबर वन टैक्सीबिलिटी ऑफ नो क्लेम बोनस ओफोर्ड बाई इंश्योरेंस कंपनी अब इंश्योरेंस कंपनी समझ लीजिए मैंने इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लिया है पहले साल में मैंने कोई क्लेम नहीं किया तो नेक्स्ट ईयर जब इंश्योरेंस कंपनी मैं इंश्योरेंस रिन्यू करूंगा तो मुझे प्रीमियम पे प्रीमियम पे एक नो क्लेम बोनस का डिस्काउंट दिया जाता है ठीक है नो क्लेम बोनस अब ऑफिसर क्या बोला कि सर आपने इंस्योरेंस मैंने इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस दिया बाय नॉट गोइंग फ्रॉम लॉजिंग ए कंप्लेन और मैंने क्योंकि कोई कंप्लेन लॉज नहीं किया था उसी के लिए मुझे नो क्लेम बोनस मिला है और ऑफिसर बोला रमेश तूने इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस दिया बाय नॉट लॉजिंग और इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी ने तुझे नो क्लेम बोनस दिया है तो गवर्नमेंट ने यहां पे क्लरिफिकेशन ला दिया कि नो क्लेम बोनस इज नॉट ए कंसीडरेशन फॉर सप्लाई प्रोवाइडेड बाय द इंश्योर टू द इंश्योरेंस कंपनी मैंने इंश्योरेंस कंपनी कोई सर्विस नहीं दिया है जिसके बदले इन द फॉर्म ऑफ अग्रींग टू दब्लगेशन टू रिप्रेन ड्यूरिंग गवर्नमेंट ने क्लरिफिकेशन दिया कि ऑफिसर मैं समझ लीजिए मैंने लास्ट ईयर कोई कंप्लेन लॉन्च नहीं किया इसलिए नेक्स्ट ईयर मुझे इंश्योरेंस कंपनी नो क्लेम बोनस दे रही है तो ऑफिसर ने बोला नो क्लेम बोनस का मतलब यह होता है रमेश कि तू You from a वो तुझे नो बोनस दे रहे इज ए सप्लाई ऑफ सर्विस और जो नो क्लेम बोनस तुझे आ रहा है उस पर जीएसटी लगाएंगे गवर्नमेंट ने बोला अरे ऑफिसर नलायक नो क्लेम बोनस इज नॉट ए कंसिड नॉट कंसिडर्ड एज ए कंसिडेशन फॉर सप्लाई इडेड बाई द इंश्योर्ड टू द इंश्योरेंस कंपनी मैंने कोई सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं दिया है इन द फॉर्म ऑफ अग्रीन टू दिगेशन टू रिफ्रेंड फ्रॉम एन एक्ट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर मैंने कोई सप्लाई नहीं किया है तो इंश्योरेंस कंपनी जो मैं प्रीमियम पे कर रहा हूं नेक्स्ट ईयर तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करते हैं नेक्स्ट ईयर आपको एक नो क्लेम बोनस समझ लीजिए दो हजार रुपए का दे देते हैं तो नो क्लेम बोनस इज नॉट ए कंसिडरेशन कि मैंने इंश्योरेंस कंप्लेन लॉन्च नहीं किया इसलिए मुझे कंसिडरेशन मिला ऐसा नहीं होता है नो क्लेम बोनस एक डिस्काउंट है ऐसा क्लैरिफिकेशन आया नो क्लेम बोनस इज ए परमिसेबल डिडक्शन अंडर फिफ्टीन थ्री ए ये डिस्काउंट जैसा अमाउंट है फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई बाई द इंश्योरेंस सर्विसेज जीएसटी ऑन द एक्चुअल प्रीमियम पेबल बाई दॉलिसी होल्डर after deduction of the no claim bonus मतलब इंश्योरेंस कंपनी का जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है वो एट है और उस पर वो इंश्योरेंस कंपनी मुझसे GST चार्ज करेंगी मैंने कोई इंश्योरेंस कंपनी को रिफ्रेनिंग फ्रॉम लॉजिंग एंड कंप्लेन का सर्विस नहीं दिया है और दो हजार रुपए लिए है ऐसा नहीं है सिंपल है इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे पॉलिसी बेचा है और मुझे नो क्लेम बोनस देते हुए एक्चुअल प्रीमियम सिर्फ आठ हजार रुपया लिया है दो हजार रुपए मुझे डिस्काउंट दिया है नो क्लेम बोनस इज ए डिस्काउंट एक्सक्लूड कर देना फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड देयर वैल्यू ऑफ सप्लाई जस्ट एट थाउजेंड जिसपे मुझे जीएसटी पे करना पड़ेगा यही एक छोटा सा अमेंडमेंट का पॉइंट था डन सर पॉइंट क्लियर है सुनिए ये जो अमेंडमेंट है ये सप्लाई चैप्टर में आईसीआई ने इंक्लूड किया है और ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड किया है मैंने दोनों ही ही आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर चैप्टर के के साथ समझा दिया ठीक है point, है है सर डन पॉइंट अब सुनिए एग्जाम लिए ए प्लस ग्रेडेड छ से आठ मार्क एग्जाम में पूछते हैं छह मार्क का बड़ा क्वेश्चन एक जो बड़ा क्वेश्चन आता है फोर्टीन मार्क का उसमें भी आपको जरूरत पड़ेगा बाकी बीच में दो मार्क का छोटा सा क्वेश्चन दो मार्क का एमसीक्यू सी छह से आठ मार्क ए प्लस ग्रेडेड चैप्टर है

करके जरूर जाइएगा अब बस बेटा क्वेश्चन आंसर करिए क्लोज करूंगा अपना रिवीजन ऑन द चैप्टर ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई